हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ये वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट चैप्टर का वीडियो देखने के बाद आप ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, और ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट करने के लिए आप bewiseclasses.com विजिट करके केमिस्ट्री का ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। जो स्टूडेंट 11th क्लास में है वो 11th का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, जो स्टूडेंट 12th या 13th में है वो कंप्लीट केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। गुड इवनिंग। कल रिवीजन चल रहा था, रिवीजन रुक गया था। सबसे पहले हमने थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन पढ़ी, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हीट ट्रांसफर। फिर हमने क्या पढ़ा कि थर्मो में हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे, फ्लोट, स्लोट और एप्लीकेशन ऑफ फ्लोट थर्मोकेमिस्ट्री। उसके बाद क्या पढ़ा, बेसिक पढ़ा हमने। बेसिक में हमने पढ़ा सिस्टम क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन में है। सिस्टम अदर देन सिस्टम सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स है। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है बाउंड्री। बाउंड्री कितने टाइप की, रिजिड एंड नॉन रिजिड, और कनेक्टिंग एंड नॉन कनेक्टिंग, और रियल और इमेजिनरी। उसके बाद क्या पढ़ा, टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें से हीट और एनर्जी का एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज हो सके, तीन कप, ठीक, तो उसमें से हीट, एनर्जी और मास का एक्सचेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्या बोला, क्लोज सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें से एनर्जी का एक्सचेंज हो बट मैटर का नहीं हो। भाई कप को क्या कर दो, क्लोज कर दो, उसमें से मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, किसका एक्सचेंज होगा, ओनली एनर्जी का। फिर क्या पढ़ा, आइसोलेटेड सिस्टम, उसमें ना तो एनर्जी ना मास का चेंज होगा, तो ना मैटर का चेंज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल टी इन अ थर्मस फ्लास्क। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो स्टेट पे डिपेंड करेंगे, इनिशियल एंड फाइनल। पाथ फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करेंगे, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, जो कैपिटल लेटर से आते हैं वो स्टेट फंक्शन है। हीट एंड वर्क पाथ फंक्शन है। फिर क्या पढ़ा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, जैसे मास है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, और रेजिस्टेंस था, आप बाद में पूछ लेना, ठीक है, समझ आया। फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, प्रेशर है, टेम्परेचर है, और मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब समझ आ गए ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब क्या थे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अच्छा एक बात और कर देना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिटिव होती है नेचर में, हम उनको ऐड कर सकते हैं, लिख लो ये बात बेशक, ये नहीं लिखी ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव इन नेचर। उसके बाद क्या पढ़ा, जल्दी बोलो, मैं रिवाइज करा दूंगा दो मिनट में। और टाइप ऑफ प्रोसेस, पहले आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, कंडीशन कैसे कैसे दे सकता है एग्जामिनर बता दी। फिर आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस, हीट कांस्टेंट, हीट जीरो होगी, और साइक्लिक प्रोसेस जिसमें चेंज इन स्टेट फंक्शन जीरो होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है। फिर उसके बाद क्या पढ़ा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, वो पी एक्सटर्नल है, ध्यान देना वहां पे, एक्सटर्नल प्रेशर जो गैस पे अप्लाई कर रहे वो है, इनटू चेंज इन वॉल्यूम। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को, बोलो भाई किसी को डाउट है क्या, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, ठीक, समझ आ रही बात। अगर नेगेटिव वर्क डन आता तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर पॉजिटिव आता वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। फिर हमने हीट पढ़ा था, हीट क्या, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, हा? पाथ फंक्शन है, और बस है, और क्या पढ़ा, साइन कन्वेंशन पढ़े थे भाई, उसमें हीट में वर्क में ये है, वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव, ऑन सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम पॉजिटिव। बस यही था ना, यही क्या, दो क्वेश्चन किए थे, आसान से थे। चलो इसमें वर्क डन में ना बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, मुझे लगता है एक क्वेश्चन इस बार आ सकता है, ठीक है, और मुझे जब लगता है सही लगता है, ठीक, तो स्टार्ट करें भाई। अपने को स्टार्ट क्या करना आज, इंटरनल एनर्जी, लिख लो इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, भाई जितनी भी एनर्जी है सिस्टम के अंदर उन सब का सम, सम ऑफ ऑल एनर्जीज, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, टोटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे हम इसको ना, कैपिटल ई से, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जैसे कौन सी एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी हो जाए, थर्मल एनर्जी हो, और क्या हो सकती है, रोटेशनल एनर्जी हो जाए, वाइब्रेशनल एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, जितनी भी एनर्जी आप सोच सकते हो सबका सम क्या कहलाता है,
इंटरनल एनर्जी, क्या किसी सिस्टम की एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं? मान लीजिए कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिस्टम हूँ, ठीक, मेरी आपको इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करो, मेरे को जिस भी चीज़ से एनर्जी मिलती है, चाहे पानी से मिलती है, चाय से, दूध से, खाने से, सब बंद कर दो मेरा, और मेरे से ओनली काम करवाओ, और वो कैलकुलेट करो मैंने कितना काम किया है ना, वर्क डन, ठीक, वो कैलकुलेट कर लो आप, जब तक करते करवाते रहो मेरे से काम, तब तक मैं मर ना जाऊँ, ठीक, तो जो टोटल वर्क डन आएगा वो मेरी एनर्जी थी, समझ आई बात? तो अब आपने एनर्जी तो कैलकुलेट कर ली टोटल, लेकिन सिस्टम तो खत्म हो गया आपका, तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, इसलिए हम किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? तो क्या कर सकते हैं, चेंज इन एनर्जी, ठीक, सो ये लिख लो पहले, और फिर लिखो, ये लिख लो पहले, इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी आप सोच सकते हो, थर्मल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी, सबका सम है, ठीक है। आगे क्या करना है, नेक्स्ट लिखो, वी कांट कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, सो वी कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा ई कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक, और इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, डेल्टा ई बढ़ेगा, ठीक, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, कभी भी इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं करते आप टोटल, ठीक, चेंज कैलकुलेट करते हैं, समझ आ रही मेरी बात? जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक, कुछ एनर्जी खर्च हो गई होगी, या मान लीजिए फिर वापस यही स्टेज आ जाए कुछ खाने के बाद, तो मैं देख लूँगा कि मैंने कितनी कैलोरी ली है, तो वो मेरी एनर्जी खर्च हुई थी, अभी मेरे में जितनी एनर्जी है, ठीक, तो जितनी एनर्जी है अब पढ़ाने के बाद एनर्जी खर्च होगी, तो वापस इसी स्टेज पे आ जाऊँ मैं, मेरे को कुछ खिला दो फिर, और वो टोटल कैलकुलेट कर लो आपने मेरे को कितना कैलोरी खिलाया है, तो क्या आ जाएगा, एनर्जी कितनी चेंज हुई थी है ना, कितनी खर्च हुई थी, ये आ जाएगा ना, चेंज कैलकुलेट कर सकते हो, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? एक आदमी को ना आप 200 कैलोरी खिला दो, 200 उससे वर्क डन करवा के देख लो फिर, यानी उसकी एनर्जी कितनी बढ़ी थी, 200 बढ़ी थी, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई डाउट है क्या? तो सिस्टम की हम चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ना कि टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी जो होती है, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, ठीक है भाई, समझ आई बात? तो ई टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी हमेशा बढ़ेगी, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? सिंपल, आप ना सिस्टम जब भी बात करो, आप गैस को मान लिया करो, हम गैस की बात करते हैं नॉर्मली, ठीक, तो गैस को आपने मान लिया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, उसके गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो क्या होगा, एनर्जी बढ़ी ना सिस्टम की, तो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है, लिखते हो काइनेटिक एनर्जी को 3/2 kT, टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टोटल एनर्जी नहीं बढ़ेगी, समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है किसी को? अब देखो, अगर हम बोलते आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आप क्या बोलोगे, बोलो, टेम्परेचर कांस्टेंट बोलते हो और डेल्टा टी जीरो और डेल्टा ई भी क्या आ जाएगा, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आएगा, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो चेंज इन एनर्जी जीरो, अगर हम बोल दें साइक्लिक प्रोसेस तो डेल्टा ई क्या आएगा भाई, जीरो आएगा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, लिखा था ना कल, इज स्टेट फंक्शन, और साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो आ जाएगा, कोई डाउट है क्या किसी को? लिखो ये बात, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लोट, FLOT, ये क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये क्या है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लिख लो, ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या कहता है फ्लोट, ना तो आप एनर्जी क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, इसकी डेफिनेशन यही है, इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड,
समझ आई बात? बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? बोलो भाई. नेक्स्ट लिखो फिर. ये हो गया. इसके बाद नेक्स्ट लिखो भाई. हम क्या लिखेंगे? इसके अकॉर्डिंग डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है. ठीक ठीक है. डेल्टा ई में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क डन में ये रिलेशन होता है. ये ध्यान रखना आपको. पता ना ये तो सबको? आसान सी इक्वेशन है. नेक्स्ट आगे बढ़े. अब प्रोसेस लिखो, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस. सबसे पहला लिखो आइसोथर्मल प्रोसेस. सबसे पहली प्रोसेस कौन सी आती है? आइसोथर्मल प्रोसेस आती है. देखना एक बार. आइसोथर्मल प्रोसेस. इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? टी क्या है? कांस्टेंट. और टी कांस्टेंट है तो डेल्टा डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर जीरो, और डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा ई यानी क्यू प्लस डब्ल्यू जीरो. अब इसमें दो केस बन सकते हैं. Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बोल दो, या तो या मैं बोल दू W इज इक्वल टू माइनस क्यू. अब देखो ये W हम बोल रहे हैं, जैसे ये प्लस है, हम बोल रहे हैं हीट अगर प्लस होगी तो हीट इज द एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, और W अगर नेगेटिव होता तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम. ये बोलते हैं. तो मैं बोल सकता हूं इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम. आइसोथर्मल प्रोसेस में जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम उतना ही काम कर देगा, उतना ही वर्क करेगा, वर्क डन होगा. ठीक, समझ आई बात? तो इसमें लिख लेंगे हम यहां पे इन आइसोथर्मल प्रोसेस. अच्छा ये क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि वैसे तो आप यहीं से कर सकते हो, लेकिन ये स्टेटमेंट आती है, मैं लिखवा देता हूं. ठीक, इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम is equal to work done by the system. कोई डाउट है क्या? ये समझे कि नहीं समझे आप? बोलो भाई. नेक्स्ट क्या आएगा इसमें? क्या लिखोगे? इन आइसोथर्मल प्रोसेस इसमें अगर अपने को लिखना, क्या लिखेंगे? ये ना डायरेक्ट स्टेटमेंट आती है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. फिर यहां से आपको पता होना चाहिए. रटनी नहीं है, वहां पे लिख लेना कि आइसोथर्मल प्रोसेस देर की, वहीं पे लिखना डेल्टा टी जीरो डेल्टा ई जीरो क्यू प्लस डब्ल्यू जीरो. अब स्टेटमेंट अपने आप बना लेना. एक स्टेटमेंट तो ये बन सकती है, दूसरी ये बन सकती है. यहाँ पे डब्ल्यू पॉजिटिव है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. तो अगर हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तो सिस्टम हीट रिलीज करेगा. माइनस आ रहा ना क्यू के आगे, तो हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम. तो क्या बोलेंगे? इन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम. कोई डाउट है क्या किसी को? राइटिंग अच्छी नहीं आ रही आज. कोई बात नहीं, चलेगी. चलो ठीक, चलाओ फिर. इधर देखो भाई. इन नेक्स्ट लिखो सेकंड, इन साइक्लिक प्रोसेस. अब साइक्लिक प्रोसेस में भी क्या होता है? डेल्टा ई जीरो होगा कि नहीं होगा? और डेल्टा ई जीरो होगा क्यू प्लस डब्ल्यू जीरो. फिर से यही बात लिखनी अपने को, क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम. और इस केस में वर्क पॉजिटिव है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट रिलीज बाय द सिस्टम. मैं डेल्टा ई जीरो दोबारा, मेरे को दोबारा लिखूंगा एक बार? आप लिखो, मेरा तो काम चल जाएगा ऐसे ही. मान लो कि डेली हम कोशिश करेंगे कि एक इंप्रूवमेंट, वो कुछ भी हो सकता है. अपने पास टोटल कॉन्सेप्ट कितने हैं पता है? कितने कॉन्सेप्ट होंगे?
फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मिला के कितने कॉन्सेप्ट होंगे बोलो। केमिस्ट्री में 30 चैप्टर है, ठीक है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को एक कॉन्सेप्ट माने, डाइपोल मोमेंट को एक कॉन्सेप्ट माने, मुश्किल से 150 कॉन्सेप्ट नहीं है केमिस्ट्री में, मुश्किल से 150 होंगे टोटल जहां से क्वेश्चन आते हैं। वैसे जैसे हम ईएआर रिएक्शन को एक कॉन्सेप्ट मान लें, ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ को एक कॉन्सेप्ट मान लें, बेसिक स्ट्रेंथ को एक कॉन्सेप्ट, ऐसे 150 कॉन्सेप्ट भी नहीं है। और तीनों सब्जेक्ट का मिला के कितने कॉन्सेप्ट होंगे टोटल, 600 मान लो, 600 होंगे। अपने पास कितने दिन बचे हैं, 100 मान लेते हैं, ठीक है, 100 से भाग कर दो, 6 कॉन्सेप्ट पर डे सीखने अपने को। और 6 कॉन्सेप्ट सीखने का मेथड क्या है, मान लीजिए आज हमने हाइब्रिडाइजेशन उठाया, हाइब्रिडाइजेशन में एक मिस्टेक ढूंढनी अपनी कि मैं क्या मिस्टेक करता हूं, ठीक। डाइपोल मोमेंट उठा लिया, डाइपोल मोमेंट में अपने को एक मिस्टेक ढूंढनी है, बस हो गया काम खत्म, दो हो गए केमिस्ट्री के। ऐसे ही कोई भी दो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट उठा लिए, उसमें एक मिस्टेक ढूंढने। आप बोलते हो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक याद नहीं रहती, रिवीजन नहीं होता। आप रिवीजन पता कैसे करते हो, जीओसी पकड़ ली, ये जीओसी में ये आधी कॉपी भरी, पेज काउंट करते हो आप पहले ना। आपका स्टाइल बताता हूँ, ये इतने पेज है, ठीक, मेरे को ये जीओसी 2 3 घंटे में रिवाइज करनी है, और इसमें टोटल पेज कितने हैं, 120 है मान लीजिए, ठीक, यानी मेरे को एक घंटे में 40 पेज रिवाइज करने हैं, एक पेज में 1.5 मिनट में पढ़ दूंगा, है ना, ठीक। और बिल्कुल एकदम क्रांति आती है आप में, मस्त, पहले पेज से बिल्कुल एक एक चीज। अच्छा सर ने ये लिखा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इंटरमीडिएट बनता है बीच में, ठीक, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक, एक एक चीज क्या चल रहा है, सॉल्वेंट क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ रहे हो, जरूरत है क्या, सीधा क्या किया करो। मैं तो कहता हूं वैसे ना, जैसे अब ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक एक सीक्वेंस में चलती है, फिजिकल में कोई भी चैप्टर उठा लो आप, कोई भी टॉपिक उठा लो, इनऑर्गेनिक में उठा लो, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ दो, पीछे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, एमओटी पढ़ लो पहले, आप करते हो पहले से स्टार्ट, क्या पढ़ते हो आप, लुइस डॉट स्ट्रक्चर बना बना, ठीक, एग्जाम में आ ही नहीं रहा वो, यही तो हो रहा अपने साथ, तभी तो आपका रिवीजन नहीं हो रहा। फिर ऐसा करते करते आपको हो जाता है 1.5 घंटा, और पेज रिवाइज होते हैं 20, घंटा बचा 1.5 और पेज बचे 100, अब डिमोरलाइज होना स्टार्ट हो जाते हो आप। तो ऐसा थोड़ा यार, जब हमने पढ़ रखा पीछे से रिवीजन किया करो, ऐसे एकदम स्टाइल में आता सब ऐसे, बोला यही तो दिक्कत है। अरे जब भी पढ़ो कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा करो, आपको भूलने वाली बीमारी ना, भूलने वाली बीमारी बताऊं क्यों है, बताओ, बायो एनसीईआरटी पढ़ते हो, भूल जाते हो ना, रीजन पता है, कभी सोचा है, रीजन सोचो, सोचो क्या क्या बोला, नहीं अभी से, अभी तो एज भी नहीं हुई, तो इसका रीजन पता है क्या, जैसे हम पढ़ने बैठे, मान लीजिए किसी का फोन आ गया, तो बीच में फोन अटेंड कर लिया, व्हाट्सएप मैसेज चेक कर लिया, नहीं तो कोई दोस्त ने बुला लिया चाय के लिए, जरूरी है जाना, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी तो रूम में ही रहेगी, अगर दोस्त बुरा मान गया प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ आ रही कि नहीं आ रही, दोस्त बुरा नहीं मानना चाहिए, एनसीईआरटी तो आके भी पढ़ लेंगे। अब आपने वो पेज पढ़ा था, वो सीक्वेंस टूट गया, बीच में चाय आ गई, अरे तो ये दिमाग है भाई, कोई मशीन थोड़ी है, वहीं से पिकअप करेगा, तो बीच में वो चीज़ें जितनी आप वो चाय पीते हो जाते हो, जिन जिन को देखते हो, सारी इमेज बनती जा रही हो, तो बायो के डायग्राम नहीं बन रहे, चेहरे बन रहे दिमाग में, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, समझे मेरी बात। और बताता हूँ, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते टाइम सबसे बड़ी समस्या पता क्या आती है, पानी की प्यास लगती है पढ़ते टाइम, ठीक, भूख लगती है पढ़ते टाइम, फिर टेबल से उठोगे, सेब उठाओगे, एक उठाओगे,
पढ़ते टाइम कोई भी चीज़ बीच में नहीं आनी चाहिए, खाना पहले खा लो, पानी पीना पहले पी लो। अब ऐसा तो कोई इंसान है नहीं जो 30 मिनट बिना पानी नहीं रह सकता। आप है ना, सही बताऊं 70 मिनट तक आप लगातार नहीं पढ़ सकते, 70 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ सकता। हम क्या कोशिश करते हैं, बैठ जाते हैं 3 घंटे पढ़ते हैं, ये दिखाने के लिए बहुत मेहनती हूँ। क्यों भाई, मेडल जीतना है, किसको दिखा रहे हो? ह्यूमन नेचर की बात कर, मैं मतलब 99% लोग ऐसा करते हैं, हम लोग शो ऑफ के लिए करते हैं आधी चीज़ें, है ना। और इंडिया जो है ना, इंडिया में शो ऑफ ही ज़्यादा चलता है, अमीर लोगों का गरीब देश है ये, पता ना आपको, समझ रहे हो मेरी बात का मतलब, अमीर लोगों का गरीब देश, ठीक। शो ऑफ ज़्यादा चलता अपने, पढ़ाई अरे हमें पढ़ना है सीखना, उसमें भी शो ऑफ, 10 घंटे तक बैठे हैं बुक लेके। मेरे पास बच्चों में फ़ोन आते हैं, सर मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ। भाई तू मुझे ये बता दे कैसे पढ़ लेता है, है ना। मैंने तो ये सुना था, ये जो बड़े लोग रहते हैं अपने प्रधानमंत्री टाइप, वो लोग 16-17 घंटे काम करते हैं। अब मुझे उनका भी समझ में नहीं आता कैसे करते, कौन कर सकता है यार इतना काम, पागल आदमी है क्या या मशीन है, आदमी तो है नहीं फिर वो। तो मैं सर 12 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 14 घंटे पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ सकते हो भाई, इंसान हो यार, कोई नहीं पढ़ सकता। 70 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं बन सकती किसी की। हाँ हाँ उसका भी बताऊँगा ना, वही उसी चीज़ पे आऊँगा, ठीक। कल एक बच्चे ने पूछा मेरे से, बहुत अच्छा डाउट पूछा ये, उसने लिखा कमेंट में कि आप OMR कैसे फीलिंग करते हैं। बोला आप स्ट्रैटेजी अच्छी बता दो, OMR की बता दो। अभी बताऊँ OMR की, अभी बताता हूँ 2 मिनट में। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे हम पढ़ते हैं, जब अब पानी पीने का मन हुआ, बीच में बुक से उठकर पानी पीने चले गए, तो माइंड को थोड़ा पता है यार कि अभी ब्रेक लेना, फिर वहीं से स्टार्ट करना है, वो तो कंटिन्यूस काम कर रहा ना अपना, तो बीच में पानी आ जाता है, डायग्राम गायब। तो कोई भी चीज़ आप ना 70 मिनट से ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। अगर 70 मिनट पढ़ो तब भी ठीक है, 1 घंटा पढ़ा करो आप, 70 मिनट मत बैठो, 1 घंटा बहुत ज़्यादा होता है। और जिस दिन दिल से 1 घंटा बैठ गए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगी 1 घंटे में, लेकिन बैठते कहाँ हो आप लोग 1 घंटा में, पता कैसा बोल रहा हूँ, जैसा एग्ज़ाम की लास्ट 15 मिनट होती है, हम पूरा एग्ज़ाम देते हैं, है ना, लास्ट के 15 मिनट में हम 20-30 क्वेश्चन कर देते हैं, और मैक्सिमम ठीक भी होते हैं, ऐसा क्या हो जाता है। तो अगर एग्जाम को आप उसी स्पीड से स्टार्ट कर दो करना, एग्जाम को भी उसी स्पीड से कर दो स्टार्टिंग से ही, लास्ट की 15-20 मिनट की तरह, और पढ़ाई भी वैसे ही स्टार्ट कर दो। कभी अभी भी, अभी जो बच्चा 0 पे आज जो स्टार्ट कर रहा है, वो 650 नंबर ला सकता है, जो आज अभी स्टार्ट कर रहा है वो बच्चा, समझ आ रही मेरी बात। लेकिन भाई मैंने बता, 1 घंटा नहीं पढ़ सकते, 30 मिनट पढ़ो, बीच में मोबाइल, घर वालों की कॉल, कोई भी नहीं आना चाहिए पढ़ाई के बीच में, पढ़ाई और आपके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। फ्लो टूटेगा तो रिदम बिगड़ेगा, रिदम बिगड़ेगा तो भूलने की बीमारी आएगी, ठीक। हमारे माइंड के पास इतनी स्ट्रेंथ है, हम एज इट इज डिक्शनरी याद कर सकते हैं, आपसे PCB याद नहीं हो रही यार, समझ आ रही बात। वो बस ओनली एक के, उसका रीजन एक ही है, फ्लो तोड़ना बीच में, समझ आ रही मेरी बात। तो फ्लो मत तोड़ा करो, 30 मिनट नहीं पढ़ सकते, 10 मिनट पढ़ सकते, 10 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। आप एक काम करो, चाहे अभी करके देख लो, पीछे घड़ी लगी, पीछे देखो एक बार सारे, एक अब स्टार्ट हो गया टाइम, 1 मिनट तक देखते रहो, देखो मैं बोल नहीं रहा, देखो 1 मिनट कितना लंबा है, सेकंड पे निशाना होना चाहिए सबका, बोलो मत, देखने को बोला भाई, मुंह खोलने को थोड़ा बोला है। ऐसे हमारे पास 180 मिनट है, कितना लेंथ ही था देखा,
और आप सोचो आप खुद क्या क्या आ गया आपके माइंड में, ऐसे 180 मिनट अपने पास, और ऐसी एक मिनट में कई बार आप तीन तीन क्वेश्चन कर देते हो, लेकिन पेपर तो फिर भी पूरा नहीं हो रहा आपका। 100 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं पूरे पेपर में जो 50 मिनट में कर सकते हो आप, बचे 130 मिनट क्वेश्चन बचे, टोटल 80, और 80 अपने को करने नहीं, उनमें से 60 करने हैं, 60 क्वेश्चन 130 मिनट, फिर भी नहीं हो पाता। एक चीज पे स्टिक, एक क्वेश्चन पे स्टिक कर जाते हो, चिपक के बैठ जाते हो उसके, वो छोड़ो, समझ आई मेरी बात, तो वो छोड़ दो। पहले ठान लो, जिस बच्चे ने आज से ये ठान लिया भाई सर ने 45 क्वेश्चन का यहाँ पे टेस्ट लिया, मैं पांच तो मेरे को करने ही नहीं है, पांच को तो मैं छेड़ूंगा नहीं, क्रॉस नहीं करूँगा, 40 ही करूँगा, 40 में से 140 नंबर ले आओ, बहुत है, समझ आ रही मेरी बात। आप कोचिंग का टेस्ट देने जाते हो, 180 क्वेश्चन है, सोच के जाओ घर से ही, अभी अब अभी कोचिंग का जो टेस्ट देने किसके आ रहे हैं 600 से ऊपर, एक बच्चा है पूरी क्लास में, आपके भी आ रहे, वेरी गुड। अब आपके 600 से ऊपर नहीं आ रहे, आपका ड्रीम है ना ये 600 वाला, अब कि कोचिंग के टेस्ट में 600 से ऊपर लेके आने, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आप ऐसे सोचते हो, मैं बोलता हूँ ऐसे सोचो उल्टा, जितना उल्टा सोचना शुरू करोगे उतना ही आगे जाओगे, पूरी दुनिया सोच रही है भाई लाइन से, उल्टा सोचना शुरू करो, दुनिया चाहती है कि मैं 160-170 क्वेश्चन करूँगा, आप उल्टा सोचो, मुझे 15 क्वेश्चन करने ही नहीं है, मुझे 20 क्वेश्चन को हाथ ही लगाना, मुझे ऐसे 20 क्वेश्चन छांट लेने हैं पहले ही अटेम्प्ट में, या 15 क्वेश्चन छांट लेने हैं विद इन 5-10 मिनट, जिन पे मैं क्रॉस कर दूंगा, मुझे करना नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात, ऐसा करना शुरू कर दो, अपने आप मार्क्स बढ़ जाएंगे। एग्जामिनर आपको रिजेक्ट करना चाहता है, अब फालतू क्वेश्चंस को रिजेक्ट कर दो, अपने आप सिलेक्ट हो जाओगे, एग्जाम इज नॉट ए सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम इज ए रिजेक्शन प्रोसेस, एग्जामिनर टफ लेंथी कैलकुलेटिव बकवास फालतू क्वेश्चंस देके आपको रिजेक्ट करना चाहता है, आप एग्जामिनर के उन सभी क्वेश्चंस को, और नीट का बताऊं मैं ईमानदारी से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे बायो में आते हैं, 2 क्वेश्चन 19 में एक भी नहीं आया था, 18 में आए थे 2 क्वेश्चन ऐसे जो तुम लोग नहीं कर सकते थे, 2 क्वेश्चन ओनली, 2 से 3 केमिस्ट्री में आते हैं, 4 से 5 फिजिक्स में आते हैं, कितने हुए टोटल, 5 फिजिक्स के मान लो, 3 केमिस्ट्री के मान लो और 6 उसके मान लो, 11 और 3 14 हो गए, मैंने बोला 20 क्वेश्चन छोड़ दो, 160 मार्क्स का पेपर अभी भी बाकी है, सॉरी 160 क्वेश्चन अभी भी बाकी है, 640 का पेपर अभी बाकी है, और ये 640 ऐसे है जो हर बच्चा कर सकता हो, हर एक एवरेज बच्चा कर सकता है, लेकिन हम पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, है ना, तो इन चीज़ों का ध्यान दो, समझे मेरी बात, आप आज से रिजेक्ट करना शुरू कर दो। अब मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट दिया था, आपने टाइम वेस्ट किया ना, मुझे ईमानदारी से बताना कितने क्वेश्चन थे जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, पाँच ही तो थे, 8 थे, 8 तो टोटल कैलकुलेशन होगी, 10 होगी, 12 होंगे कैलकुलेशन के, लेकिन 5 ऐसे थे जिसमें आपको 2-3 मिनट लगती, छोड़ दो उनको, 40 करो, 160 तो नहीं आए किसी के भी, 150 भी नहीं आए, लेकिन हम उसी में उलझे रहे ना, क्या 150 हो गए, वेरी गुड, समझे मेरी बात, तो ये चीज़ें सीख लो आप, अब है ना, अब जो आप पढ़ रहे हो मेरे ख्याल में ठीक ठाक पढ़ने वाले बच्चे, ऐसे टफर तो होनी आप लोग, ठीक, मैं एक एवरेज बच्चे ही बात कर रहा हूँ, जो ना अंधाधुंध मेहनत करे जा रहा है, जिसके मार्क्स नहीं आ रहे, जो पढ़ रहा है, जैसे अपने पूजा है, पढ़ते ही बहुत है, मार्क्स नहीं आते, है ना, आप जैसे लोगों के लिए मैं बातें कर रहा हूँ, समझ आई मेरी बात, कि आपको क्या करना है, फालतू की चीज़ों को रिजेक्ट कर देना, बस इतना काम शुरू कर दो, और ये बातें शायद मैं पहले ही बोल चुका हूँ, फिर आप एक काम कर लो, अब तो 3-4 महीने बचे, 20-25 दिन मेरी बात मान के देख लो, 1-2 टेस्ट में मेरी बात अप्लाई करके देख लो, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की बातें, बड़ी बड़ी बातें है ना, ऐसे कभी कभी बीच बीच में मैं बोल देता हूँ, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करेगा उसी को समझ में आएगी। ईमानदारी से बताना मेरी बातें किसने फॉलो करके देखी, ये वेरी गुड, पूरा नहीं मतलब, जैसे यही जो एग्जाम को ऐसे करना है, मिस्टेक कम करनी, मिस्टेक लिखनी है, किस किसने करी है, अब आप जो हाथ खड़े हैं ना, खड़े रखना एक बार,
अब वो लोग हाथ नीचे कर लो जिसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, आप में से जिसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, एक भी बच्चा नहीं है, मतलब सबका इंप्रूवमेंट हुआ ना, तो सारी बातें मानोगे तो 650 प्लस भी आ जाएंगे, कोई बड़ा टारगेट नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? आप सारी बातें मानो, आज से मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ आज से मान लो, जैसे हमने पूरी साल निकाल दी, अब मान लो मेरा काम ही यही है, टीचरा काम ही है भोंकना, है ना। हाँ जो भी, मतलब आपको तो ऐसे ही लगता होगा ना, आप लोगों, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, नहीं मेरे को ऐसा लगता, ज्ञान दे रहा हूँ। और नहीं 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 मैं टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करता था, आज भी करता हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ। कलयुग के बच्चे हो आप, मैं तो सतयुग में था, श्री कृष्ण सुदामा में एक क्लास में थे, एक गुरुकुल में थे, आप कलयुग में, मैं सतयुग में था ना। कभी कभी तो ना मैं और सुदामा कृष्ण के घर खाते थे खाना, है ना, लंच मेरे कृष्ण के घर होता था, ठीक। अरे जो भी होगा द्वाप, वेरी गुड, अच्छी नॉलेज इसकी तो, अच्छी नॉलेज है, समझे मेरी बात। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये छोटी छोटी बातें, मिस्टेक, अरे पर डे 6 मिस्टेक सीखनी है, पर डे 6 गलतियाँ सीखनी है, टोटल 600 ही कॉन्सेप्ट है, 600 गलतियाँ अगर आपने लिख ली सारा रिवाइज हो जाएगा, और 600 गलतियाँ लिखने के बाद एक ऐसी कॉपी आपके पास भर जाएगी लगभग, और ऐसी कॉपी को रिवाइज करने के लिए 2-3-4 दिन चाहिए होते हैं। अब सोचो जब लास्ट वीक होगा एग्जाम में, जब 7 दिन बचे होंगे, 4-5 कॉपी तो मैंने ही भरवा दी, हो जाएंगी, एक तो आधी तो अभी भी हो जाएगी आने वाले टाइम में, 4 तो हो गई होंगी अपनी ऐसी कॉपी जैसी ये रखी है, तो बताओ कैसे रिवाइज करोगे भाई? मिस्टेक्स से रिवाइज होगा, ठीक। शॉर्ट नोट्स, अब लोग बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाओ, मैक्सिमम बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ठीक है, रिवाइज कोई नहीं करता है, बनाते हैं सुंदर सुंदर, आपने ही बनाए हो, किस किसने बना रखे ईमानदारी से बताना, 11th में बनाए आप लोगों ने, बनाए जो ड्रॉप पर है, लास्ट ईयर बनाए थे ना लास्ट ईयर, बताओ भाई कितने लोगों ने रिवाइज किए थे, ईमानदारी से बोलना, करे थे शॉर्ट नोट्स रिवाइज, फ़ायदा हुआ? अरे जब एक बात बताऊं, बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको एक चीज़, आप जब शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते हो आपको ऐसा लगता है कुछ छूट तो नहीं रहा है, तो शॉर्ट नोट्स को आप लॉन्ग कर लेते हैं, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए अब IUPAC नोमेनक्लेचर की ज़्यादा रिविजन की जरूरत है नहीं, कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, कैसे रिवाइज करना है भाई, उसमें 2-4 क्वेश्चन लिख लो बस, बढ़िया से आपके नोट्स में। अब आप बताओ, मैंने तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे करवाया था, इसकी नेमिंग करवाई थी, अगर आपको याद हो, याद है इसकी नेमिंग करवाई थी मैंने, पहला क्वेश्चन शायद है ना ऐसा ही कुछ था। अब इसको रिवाइज करोगे, ये 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 दिन आ गए अपने, सोचो तो आप अपने को ऊपर उठाओ, पहली बात तो ना अपने दिमाग को ये समझाओ, मुझे आता है कुछ नहीं, बहुत कुछ आता आपको। आपको मैं अभी केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट दे दूं, इतने दिन पहले पढ़ा हमने, स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ में पढ़ा था, फर्स्ट सेकंड मंथ में पढ़ा होगा, क्या आप अब नहीं कर पाओगे क्या? फिर आपको बिल्कुल भी नहीं आता ये दिमाग में बीमारी कहाँ से आई। दूसरी बात हमारे माइंड में ये आता है कि हम टेस्ट अगर देंगे, कब देंगे? पूरा सिलेबस होने के बाद देंगे, ठीक। अब आपका टारगेट हो सकता है कि मैं Feb 28 तक सिलेबस पूरा कर लूँगा, तो बात लिख लो, जिसका Feb 28 का टारगेट हो 15 मार्च तक सिलेबस नहीं कर पाएगा, है ना। अरे वो तो मैं हूँ जो टाइम पे चीज़ें पूरी कर देता हूँ, है ना, टीचर भी नहीं कर पाते, मैं अलग क्वालिटी का आदमी हूँ भाई। देखो मस्ती बताऊँ, मस्ती में कोई कमी नहीं रही है, छुट्टियों में कमी नहीं है, और फिर भी टाइम पे चीज़ें पूरी हो रही है। 31 जनवरी ना डन, ज़्यादा ज़्यादा 1 फरवरी, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, तो फिर मैंने छुट्टी ले ली थी ना 2 जनवरी की, इसलिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो टारगेट, मैं क्या बता रहा था अभी, क्या किस पे बोल रहा था, शॉर्ट नोट्स तो हो गए ना, शॉर्ट मैं ये बोलता हूँ कि शॉर्ट नोट्स के बजाय वो चीज़ें लिखो आप
जो आपको याद नहीं रहती, ये होता है शॉर्ट नोट्स। अब आप वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिख रहे हो शॉर्ट शॉर्ट में, छोटे छोटे, कोई ज़रूरत नहीं है। sp3 कैसे आता है? आप वहाँ पे लिख रहे हो CH4SP3 है, NH3SP3 है, ये नहीं पता आपको, क्यों लिख रहे हो? तो आपको बहुत कुछ आता है, ठीक, तो आप उसकी चिंता मत करो। मैं ये बता रहा था आपको, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम फुल सिलेबस टेस्ट कब देंगे, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्यों सोनल, यही तो सोचते हैं हम लोग। दे तो कर लिया आपने टेस्ट उस दिन आपकी मम्मी के सामने, मैंने बोला था दे रहे हो, आपके मार्क्स आए या ना आए टेस्ट आपको देना ही है। क्या हुआ? अच्छा, कितने लोग ये मानते कि टेस्ट में मार्क्स के लिए पढ़ रहा हूँ? कितने लोगों को लगता है? आप कितने लोगों को लगता है कि टेस्ट में, अगर कोचिंग के टेस्ट में मैं 500 या 600 ले आया, मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे? कितने लोगों को लगता है? मेरे से भी तो पूछते हो आप लोग, सर आपके टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं तो इतने आ जाएंगे, टेस्ट का मतलब समझते हो? अब मान लीजिए टेस्ट का मतलब ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस है, 3 आवर्स बैठने की, 3 आवर्स क्वेश्चन करने की, 3 आवर्स पेशेंस रखने की, वो माइंड सेट तैयार करने की जो हमें लास्ट दिन अप्लाई करना है। टेस्ट टफ आ गया तो भाई आप पूरे मन से गए। अच्छा, आप में तो है ना कुछ भी एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड मैं बताऊं, जब मैं पढ़ता था मेरी 2nd रैंक आ गई कोचिंग में, ठीक, और बोर्ड पैटर्न में तो है ना मेरे 150 में से 147 शायद मार्क्स आए थे। बोर्ड पैटर्न भी होता है ना कोचिंग में, तो उसमें मेरे 147 आए थे, एक नंबर तो कटा था, नहीं पता नहीं 149 आए थे मेरे को, एक ये याद है कि मैथ में मेरा एक ही नंबर कटा था। तो आ गए, और जो ये था अपना जो टेस्ट होता है अपना रेगुलर टेस्ट जो होता है MCQ वाले में, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे 90% के आसपास, AI-EEE पैटर्न में, JEE इससे टफ रहता नीट से तो ना, और उसमें 90% बहुत होते हैं। अब एटीट्यूड देखो, मैं इस बार 100% लाऊंगा, मैं ये सोच के गया। अब देखो नेक्स्ट टेस्ट जो आ रहा है उसमें सिलेबस भी ज़्यादा हो गया, और थोड़ा सा टीचर्स ने टफ बना दिया कि बच्चे 90% ला रहे हैं, ठीक 70% है। मैं ये सोच के गया 100 के 100 लाऊंगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा। उससे क्या होता है, डिमोरलाइज होते हैं, और वही चीज़ आप कर रहे हो। ये गलतियाँ मैंने की है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा था, लगता नहीं तुम्हें, सक गया। आप लोग मॉड्यूल सोल्व करते हो ना, मैं मॉड्यूल वोड्यूल सोल्व नहीं करता था। जो जब डाउट जो सीट मॉड्यूल डिस्कशन जो होता था क्लास में, तो मैं वो क्वेश्चन नोट कर लेता था, ये नोट कर लिए, अपना अलग ही स्टाइल था पढ़ने का। हाँ, लेकिन मैं जब पढ़ता था ना, मेरे को ये नहीं पता चलता दुनिया में क्या हो रहा है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो रहा है। पढ़ते टाइम मैं या तो कोई काम करता नहीं हूँ, और करता तो मैं दूसरी चीज़ें भूल जाता हूँ, आसपास क्या है सब कुछ, बाकी सब जीरो है। मजा आना चाहिए, जो भी काम करो उसमें पूरा मजा आना चाहिए। किसी को थप्पड़ मारना ना, ऐसा मारो पूरी जिंदगी याद रखेगा, भाई थप्पड़ दूसरे याद आ, ठीक है, सच बता रहा हूँ। हाँ, थप्पड़ तो बस उसका ही खाया था, ऐसे याद आना चाहिए सामने वाले को, मतलब पूरा तबीयत से। ये चीज़ें अगर आप ना पूरे डेडिकेशन से किया करो, खेलने जाना है ना, खेलने जा रहे हो, बुक्स रख दो। खेलते टाइम अगर आपके माइंड में बुक्स चल रही तो आप अच्छा नहीं खेल पाओगे कभी भी, और पढ़ते टाइम खेल चल रहा है तो पढ़ नहीं पाओगे कभी भी। चाहे कोई भी काम करो, चोरी भी करनी है ऐसी करो, लोग कहे क्या चोरी की है, एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, समझ आ रही मेरी बात? तो पेपर की चोरी करोगे, पेपर छाप, मुर्गा छाप, क्या वो क्या बोल रहा है भाई, यहां बैठा करो आप, यहां बैठा करो ताकि मेरे को पता लगे क्या कह रहे हो, है तो अपने देश का। अच्छा, कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं भाई, बुरा मत मानना ना, कहीं बुरा मान जाते। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो। आप मेरे से सच में पूछना चाहते हो कितना टाइम चाहिए होता है पढ़ाई के लिए, पूछना चाहते हो ईमानदारी से? जो रेगुलर बच्चा पढ़ रहा है 4 आवर्स, 4 घंटे बहुत होते हैं पढ़ने के लिए,
और मैं ये नहीं बोल रहा स्टार्टिंग से, आज से भी चार घंटे बहुत है, 240 मिनट। आपने देखा एक मिनट कितनी लंबी थी, 240 मिनट बहुत है। लेकिन आप तो 8 घंटे पढ़ते हो, 9 घंटे पढ़ते हो, 12 घंटे पढ़ते हो, प्रॉब्लम कहाँ है? समझ आ रही मेरी बातें? तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। कोई डाउट? अब मैं आपको बता रहा हूँ OMR की बात। पेपर की समझ में आई? पेपर आपको देना ही है। जिसने कंप्लीट को कंप्लीट टेस्ट नहीं दे रहे, दो आज से ही, चाहे प्रीवियस ईयर के खरीद के दो, चाहे किसी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके दो, लेकिन टेस्ट आज से ही देना है। टेस्ट के लिए कभी पढ़ के नहीं जाना है। आप टेस्ट के लिए नहीं पढ़ के जाओगे आपका फायदा होगा, आप टेस्ट के लिए पढ़ के जाओगे सिलेक्शन नहीं होगा। साफ साफ बोल रहा हूँ भाई, बिल्कुल साफ साफ। अगर मान लीजिए सिलेक्शन हो भी गया, टेस्ट के लिए पढ़ के गए आप, उतने मार्क्स नहीं आएंगे जिसके आप लायक हो। ये बात बेसिक नोट कर लो, है ना? कुछ कड़वी बातें हैं ये, लेकिन सच यही है। समझ आ रही मेरी बात? दूसरा, अपने को OMR की फीलिंग पूछो, OMR कैसे फिलअप करते हैं? अब एक गुड़िया ने पूछा मेरे से, आपने बोला 70 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं बनती किसी इंसान की। मैंने बोला पेपर तो 3 घंटे का है, कैसे बनेगी कंसंट्रेशन? प्रॉब्लम तो यहाँ है। आपको क्या करना है, आप जब भी पेपर करोगे, आप पहले बायो करते हो, जल्दी जल्दी जो भी बायो में आपको आता जल्दी जल्दी कर दो, 4-5 क्वेश्चन ऐसे छांट दो जो टच ही नहीं करने हैं। 85 रह गए अपने पास, 85 में से 60-70 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लोगे, ऐसे टिक 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 ऐसे हो जाएंगे ना, हो जाते हैं मेरे ख्याल में आप लोगों के। अरे 70 नहीं होंगे, 60 तो हो ही जाएंगे। कितना टाइम चाहिए? मैक्सिमम 30 मिनट। फिर जो 60 क्वेश्चन टिक किए हैं उनके गोले भरो, गोला भरने में दिमाग नहीं लगता है, ठीक? गोला भरते टाइम दिमाग हो गया खाली, और जो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा वो भी याद आ जाएगा। फिर केमिस्ट्री करो जल्दी जल्दी ऐसे ही, फिर करो फिजिक्स, केमिस्ट्री गोले भरो, फिर फिजिक्स करो, ठीक? केमिस्ट्री और उसके बीच में, क्योंकि आप एक बात बताओ यार, इंसान है मशीन नहीं है कि ये बटन दबाया तो ठीक है भाई ये टॉपिक चलेगा, ये बटन दबाया तो ये टॉपिक चलेगा। बायो कर रहे थे एकदम केमिस्ट्री में, कैसे दिमाग चलेगा यार? जेनेटिक्स के टॉपिक माइंड में चल रहे हैं, सीधा परकिन रिएक्शन कैसे याद आ जाएगी बताओ? सोचो, अब परकिन रिएक्शन याद नहीं आ रही है ठीक, तो सोचो ऐसा कैसे हो सकता है। अब हम लोगों को इस बात पे ध्यान देना है कि हम बायो करेंगे, बायो के बाद OMR फिलअप करेंगे, OMR फिलअप करने के बाद फिर बायो बायो की, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर केमिस्ट्री OMR, फिर फिजिक्स। गैप आ जाएगा 2-2, 3-3 मिनट का। 60 गोले भरने में 5-10 मिनट तो लगेंगे, तो जो गैप आएगा ना माइंड को, एक तो आपको मैंने जो बोला ब्रेक चाहिए, 3 घंटे लगातार नहीं कर सकते काम, ब्रेक मिल गया। दूसरा, आपको इस टॉपिक से इस टॉपिक में जाना है, दिमाग ज़्यादा तेज चलेगा। लोग कहते हैं 7-7 गोला भरो, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। लोग कहते हैं बिल्कुल लास्ट में गोले भरो पूरा क्वेश्चन करके, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये कॉन्सेप्ट सबसे बढ़िया है और मैं यही अप्लाई करता था, और मैंने किसी से पूछा नहीं, मैंने खुद रिसर्च करता। जितनी बातें मैं आज आपको बता रहा हूँ, मेरे को कभी किसी ने गाइड नहीं किया कि ऐसे, कि जितनी बातें मैंने बताई है ये सारी मेरी अपने टाइम के खुद की रिसर्च है, पढ़ाई करते हुए, और आज भी करता रहता हूँ, क्योंकि सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक? तो ऐसा करो। समझ आ रही ना मेरी बात? कोई डाउट तो नहीं इसमें? हाँ, हो जाएंगे 4 घंटे, बहुत ज़्यादा होते हैं। रियल बताऊँ, आप कितने घंटे पढ़ते हो? 8-9 हो जाते हैं। एक काम करना, जितना आपने पढ़ा उसको देखना, आपने कल कितना पढ़ा, और फिर सोचना कि ये काम 4 घंटे में नहीं हो सकता था, सोचना। जो भी आपने किया, मुझे नहीं पता क्या किया आपने, आप सोचना क्या वो 4 घंटे में हो सकता था कि नहीं हो सकता था। आप 8 घंटे बैठते हो तो उसमें से एफिशिएंसी 4 की भी नहीं आती, लेकिन मैं 4 घंटे प्योर बोल रहा हूँ, प्योर 4 घंटे चाहिए। अब उन 4 घंटे में ऐसा नहीं, मस्ती भी कर लिया ना, दोस्त को भी याद कर लिया, ख्याल भी ले लिया अपने स्कूल टाइम के, जो भी याद करनी याद करना वो उनको भी याद करे जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। मम्मी भी याद आ रही है, छोटी मम्मी भी याद आ रही है,
चार घंटे में? अरे तीन ब्रेक क्या, आप आठ ब्रेक लो ना भाई, लेकिन अगर 30 मिनट बैठ गए तो 30 मिनट मतलब प्योर 30 मिनट चाहिए अपने को, और अभी भी कर सकते हो, है ना? समझ आ रही मेरी बात? तो अगर ऐसा करोगे तो हो जाएगा, बाकी जो चल रहा चलने दो, कोई डाउट? अभी भी डाउट है? ओएमआर होगी, एग्जाम देना ही देना है, पढ़ना कैसे वो पता चल गया। अब बताओ किसी कोई डाउट हो और समस्या हो, दुख दर्द चल रहा हो जिंदगी में, ठीक? और आप देखना, अब एक बात बताओ, जो हमने पढ़ा अभी, मैं क्रैश कोर्स में आपको टोटल कंप्लीट पढ़ाऊंगा और 100 घंटे में कराऊंगा, कंप्लीट डिटेल में कराऊंगा और सारा कराऊंगा। और आप बेसिक ना ये मान के आ जाना क्लास में, आप रिवीजन के लिए आओगे, आप ये मान के आना आपको कुछ नहीं आता, आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा, ये गारंटी है, आप देखना। तो हम कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? आपने भी तो पढ़ लिया। अब अगर बिल्कुल नया सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हैं तो दिक्कत आती है, आपने पढ़ लिया भाई, मैंने पढ़ा दिया, उसी चीज़ को मैं अब 100 घंटे में कराऊंगा और डिटेल में कराऊंगा, ऐसे ही करवाऊंगा सारा, है ना? और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अब आपको एस ब्लॉक रिवाइज करना है, एस ब्लॉक में आप 2 से 3 घंटे ले लेते हो, हालांकि छोटा चैप्टर है, मैं 2 घंटे में पूरा करवा दूंगा आपको यहाँ पे, बताओ। इनऑर्गेनिक आपको याद नहीं रहती, यहीं करवा दूंगा, और बताओ। जब हम कर सकते हैं आप भी कर सकते हो, ऐसा मत सोचा करो टीचर को तो आता है, टीचर तो रटता रहते, अरे टीचर को कुछ नहीं आता, टीचर आया पढ़ के आया और पढ़ा दिया, बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो, हम एक करते हैं, हमें ज़्यादा समस्या भी नहीं होती, ये देख के ना अरे आज क्या पढ़ना, फ्लोट में 4 प्रोसेस पता नहीं, बस बात खत्म। अब इसमें कोई हमें रट के आने की पढ़ के आने की जरूरत थोड़ी है, और आप भी एक बार हमारी तरह पढ़ लोगे तो आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचो उसको, पढ़ने के बाद सोचो मैंने आज क्या सीखा। एनसीईआरटी आपको कई बार ऐसा होता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ ली बायोगी जैसे और फिर याद ही नहीं रही, होता ना, होता है क्या? पूरा आपने 10 पेज पढ़ लिए और 10 पेज पढ़ते ही आपको लगता कि पहले पेज पे क्या पढ़ा था, है ना? ऐसा होता ना, एक पॉइंट नोट करो, फिर जब भी एनसीईआरटी पढ़ो साइड में एक रफ पेज या एक अलग से छोटी सी बुक लेना, ज़्यादा मोटी नहीं ना, एक तो छोटी सी बुक ले लो कोई भी, जैसे हमने कुछ भी पढ़ा और वहाँ पढ़ते टाइम जहाँ जो पॉइंट आपको याद करना है वो लेटर एक लेटर में लिख दिया, या पूरी लाइन को एक लेटर में लिख दिया, याद जो रखना है भाई। जैसे मैं बोलूँ लिथियम जो है सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अब इसको याद रखना, आपको याद है मैंने हाइड्रेशन एनर्जी से समझाया था ना, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसको एक्वस मीडियम वो करते हैं। अब इस बात को पूरी को नहीं लिखना होता, लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किसके कारण, खत्म। पूरा एक पेज पे लिखवा रखा है पूरा कॉन्सेप्ट, हो जाके चेक करना कॉपी, और अब किस में लिख दिया, एक लाइन में। तो ऐसे ही जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, पूरा पैसेज पढ़ा उसमें से क्या सीखा, एक दो वर्ड एक लाइन में लिख दो, ठीक? तो ऐसे जब आप 10 पेज पढ़ लोगे, आधा या पूरा एक पेज भर जाएगा आपका, फिर उसको पढ़ लो, उस पेज को जब पढ़ोगे सारे 10 के 10 पेज रिमाइंड हो जाएंगे, ये होता है मेथड। अब बताओ और किसमें दिक्कत है, याद नहीं रहता हो और कोई दिक्कत? जो भी समस्या आ रही है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या देना है, रिजल्ट। एक दिन में 4 चैप्टर कर लेता है तो भाई और क्या शक्तिमान बनना आपने, बहुत है यार जी, एक दिन में 4। 2 दिन बाद, हाँ मैं समझा नहीं, आपका 2 दिन के बाद टेस्ट है, मतलब आप टेस्ट के लिए रिवीजन कर रहे हो, नहीं करना है टेस्ट के लिए, रिवीजन नहीं करना है टेस्ट, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस के लिए। अच्छा एक बात बताओ, क्रिकेट खेलते हैं, है ना? क्रिकेट खेलते सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली है, विराट कोहली जब प्रैक्टिस करता है, अब वो प्रैक्टिस करता, हो सकता है यहाँ पे धड़ाधड़ छक्के मारे और वहाँ वर्ल्ड कप में जाके हर मैच में 0 पे आउट हो जाए, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो? वो ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस किसके लिए करते हैं, मैच क्यों खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, क्यों खेलते हैं? अरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि मैं उस पिच पे भी जाके खड़ा हो जाऊँ। अब आउट हो भी सकता है, अरे पेपर टफ आ गया तो क्या करोगे, कहाँ से लाओगे 600?
मेरे को तो 650 लाने, धुन बना रखी 650 लाने। अरे पेपर इतना टफ आ गया, कट ऑफ ही 450 गई, 650 वाला नंबर वन आए, क्या करोगे? नंबर वन आओगे बताओ, सोचो। तो ये कुछ भी मत सोचा करो, ये अपने हुए। मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं वर्ल्ड का बेस्ट स्टूडेंट हूँ और मेरा पढ़ने के मेथड बेस्ट है, मेरी स्ट्रेटेजी बेस्ट है और मैं जो एफर्ट देता हूँ वो बेस्ट है और जो मैं पेपर में एफर्ट लगाता हूँ वो मेरे बेस्ट एफर्ट है, बस और कुछ नहीं करना। लक भी तो काम करता है, आप पेपर में ही नहीं पहुँच भाई, बताओ सोचो। अरे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, सोचो, आप बीमार पड़ गए, आप जाम में फंस गए, ठीक, आप पेपर देने गए, साइड में शादी हो रही है, डीजे बज रहा जोर जोर से और कम कराने पे और आवाज बढ़ा रहे हैं, क्या करोगे? अरे कुछ भी हो सकता है, क्यों सोचते हो इतना यार? एक जिंदगी है, मजे लो और सीखने के लिए पढ़ो, बस मस्त रहो, है ना। आपको कभी लगे, आपने कभी मेरे चेहरे पे देखी देखा कि इस आदमी को बहुत टेंशन है टीचिंग की? कब देखा आपने टीचिंग की? आपने ऐसा लगा मेरे को सिलेबस की टेंशन है? क्या हर रोज? एक सेकंड, क्या बोला सोनल ने? तो अरे वो तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं टाइम पे चीज पूरा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसे सिलेबस की टेंशन देगा, बहुत ज्यादा सिरदर्दी लिए बैठा आदमी, मैं तो कभी भी नहीं लेता। और मेरा होता है एक दिन पहले ही, और अब भी हो जाएगा शायद एक दिन पहले, मतलब एक मैं एक एक को हो सकता है, 31 को भी हो जाए शायद, बताओ। तो टेंशन मत लिया करो भाई, चलो पढ़ते हैं अब। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी आती है? आइसोकोरिक लिख लो। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हुआ, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, डेल्टा वी जीरो, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू, और मैं इसको बोल दू क्यू वी, इसको क्या बोल दू? हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक। मान लीजिए यहां पे Q पॉजिटिव है, क्यू वी पॉजिटिव है, डेल्टा ई भी क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी मैं क्या बोल सकता हूं? हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कॉज इंक्रीज इन एनर्जी, हेंस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। नहीं समझे मेरी बात? तो यहां अपने आप लिख लो ना, बोल बोल के लिखवा देता हूं, है ना। और क्यू अगर नेगेटिव है तो हीट डेल्टा ई भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। और डेल्टा ई नेगेटिव होगा तो क्या बोलोगे? क्यू नेगेटिव, हीट रिलीज कर दी सिस्टम ने, सिस्टम में से हीट निकल रही है, एनर्जी कम नहीं होगी? अरे जूल्स जा रहे हैं बाहर, तो एनर्जी कम नहीं होगी? होगी, तो वही तो लिखा है, ठीक। और एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा, तो ये लिख लो, मैं लिख देता हूं जो बातें मैंने बोली, लिख दूं। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कॉज इंक्रीज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ई लिख दिया, हेंस बड़ा टी इंक्रीज, बड़ा टी यानी टेम्परेचर। और इधर क्या लिखोगे? हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम इन आइसोकोरिक प्रोसेस या एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कॉज डिक्रीज इन एनर्जी, हेंस क्या लिखोगे? टी डिक्रीज। लिखो जल्दी से। एडियाबेटिक प्रोसेस, हाँ भाई, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? Q0, और Q0 तो डेल्टा E इज इक्वल टू
W, अगर W पॉजिटिव है, W पॉजिटिव है तो EB, डेल्टा EB क्या होगा, यानी हम क्या बोलेंगे, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये स्टेटमेंट ऐसे आएगा, इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या बोलोगे, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम कोज क्या करेगा, इंक्रीज इन, डेल्टा ई पॉजिटिव तो भैया आएगा जब एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, हेंस टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीज। और यहां पे क्या आएगा, W इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा ई, लिखूं क्या, तो आप लिख लो इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन, नेगेटिव वर्क कब होता है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम कोज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, हेंस टेम्परेचर डिक्रीज। कोई डाउट है क्या? हो गया, रफ कर दूं। यहां पे मैं क्या बोलूंगा, नेक्स्ट देखो, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक में क्या होगा, आइसोबारिक लास्ट प्रोसेस आज की, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होगा भाई, पी कांस्टेंट, और पी कांस्टेंट होगा तो डब्ल्यू तो क्या हो गया, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी, ये हो गया सीधा माइनस पीई डेल्टा भी लिख दो ना, वहां पे समझा दो चुका हूं अब आपको बार बार क्या है ये, ठीक। और डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यूपी प्लस डब्ल्यू होता है, क्यूपी क्या लिख रहा हूं, हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो रिएक्शंस में, रिएक्शंस में हम क्या लिखते हैं, फोर केमिकल रिएक्शंस, क्यूपी इज इक्वल टू हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच, इसको बोलते हैं एंथैल्पी, एच को बोलते हैं एंथैल्पी, एंड दिस इज चेंज इन एंथैल्पी, ठीक। ये होता है, कोई डाउट है क्या, क्यूपी इज हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इसको हम दूसरा नेम क्या देते हैं, डेल्टा एच, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी, ठीक, एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ये क्या है, हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है, सही है क्या, एंड दिस इज हीट एट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब ये चीज मैंने यहां पे लिख दी, यहां पे मैंने लिख दी, कल क्वेश्चंस में यूज करूंगा इसको, कल के लेक्चर में, समझ आई बात, कल इसको एक बार फिर पढ़ेंगे हम लोग। लिखो भाई, लिखा भाई, लिखो, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ए सिस्टम इज 400 जूल, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ए सिस्टम इज 400 जूल, फाइंड डेल्टा ई इफ वर्क डन ऑन सिस्टम इज 100 जूल, वर्क डन बाय सिस्टम इज 100 जूल, दो क्वेश्चन बनेंगे ना, देन फाइंड डेल्टा ई, डेल्टा ई फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन लिखो, वर्क डन ऑन सिस्टम इज 100 जूल, वर्क डन बाय सिस्टम इज 100 जूल। दूसरा क्वेश्चन पूरा दोबारा बोल दूं, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज 400 जूल, देन फाइंड डेल्टा ई, पहला इफ वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सिस्टम इज 100 जूल, दूसरा क्वेश्चन वर्क डन ऑन सिस्टम इज वन, वर्क डन बाय सिस्टम इज 100 जूल, एक बार ऑन द सिस्टम किया गया, एक बाय द सिस्टम किया गया, समझ गए। अरे बता दो पहले का आंसर क्या आया, क्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव बताना, एब्जॉर्ब की है पॉजिटिव, और पहले में डब्ल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है, डन है तो डेल्टा ही कितना गया, दोनों को जोड़ दो। दूसरे केस में डब्ल्यू क्या होगा, माइनस 100, डेल्टा इज इक्वल टू 300 जूल, कोई डाउट है क्या, क्यू प्लस डब्ल्यू करोगे, करो।
क्या लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ ए गैस एक्सपांड्स फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर, फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर, इफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज वॉल्यूम ऑफ, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ ए गैस एक्सपांड्स फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर, इफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज 300 जूल, देन फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बताओ भाई जल्दी से, और एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर देन फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, पी एक्सटर्नल दो कितना दिया गया उसके लिए 300 जूल, इफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज 300 जूल, देन फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, टी कॉन्स्टेंट है, डेल्टा ई लिखो, आइसोथर्मल प्रोसेस है, कुछ पढ़ना ही नहीं आगे, पेज पढ़ लिख लिया, नेक्स्ट लिखो, लिखो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ए सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ए गैस लिख लो, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ए गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज 300 जूल, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ए गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज 300 जूल, देन विच स्टेटमेंट विच इज करेक्ट, बताओ भाई कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो वर्क डन पी डेल्टा वी जीरो, फिर डेल्टा इज इक्वल टू क्यू, और क्यू क्या है हीट एब्जॉर्ब है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें फोर्थ आंसर आ गया, एआईपीएमटी का क्वेश्चन था, लिखो लिखो जल्दी, लिख लिया भाई, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट लिखो, इन ए क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर, इन ए क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर ए लिक्विड इज स्टीर्ड विद पैडल, एक लिक्विड वो पैडल के साथ हिलाया गया, स्टीयरिंग बोलते हैं, इन ए क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर ए लिक्विड इज स्टीर्ड विद पैडल टू इंक्रीज इट्स एनर्जी, टू इंक्रीज इट्स एनर्जी बाई 500 जूल, इन ए क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर ए लिक्विड इज स्टीर्ड विद पैडल टू इंक्रीज इट्स एनर्जी बाई 500 जूल, देन विच इज करेक्ट, पहला ऑप्शन डेल्टा इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड ऑप्शन डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, थर्ड ऑप्शन डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड क्यू इज इक्वल टू जीरो, फोर्थ ऑप्शन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो बट डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो एंड क्यू इज इक्वल टू जीरो, इन ए क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड कंटेनर हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस होगी ना, इंसुलेटेड बोल दे आइसोलेटेड बोल दे, है ना ठीक, आइसोलेटेड बोल दे या इंसुलेटेड बोल दे, बात तो एक ही है, तो क्यू क्या जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस बोल दे, क्यू जीरो, और क्यू जीरो तो डेल्टा इज इक्वल टू डब्लू, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी खुद बोल रहा है 500 जूल, तो 500 आएगा, क्या दिक्कत है, अब आपको ये लग रहा होगा क्लोज्ड वेसल दिया हुआ है वहां पे, क्लोज्ड वेसल दिया हुआ, डेल्टा वी जीरो कर दिया होगा आपने, पी डेल्टा वी जीरो कर दिया होगा ना, नहीं करना वो, क्योंकि पैडल को घुमाने में तो काम हो रहा ना, वर्क डन, जीरो नहीं है, पैडल कैसे स्टीयरिंग किया होगा,
समझ आई बात? तो थर्ड आंसर आ जाएगा. किस किस का टेक था? ये भी AIPMTR क्वेश्चन था. लिखो जल्दी से, करें नेक्स्ट. नेक्स्ट लिखो, टू मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, एंड 2 atm pressure. is compressed to half of its volume. half of its initial volume. By applying a constant pressure of 4 atm. Then find work done and heat exchanged. आपको खुद को ये बताना है work done जो है वो system पे हुआ है या system के द्वारा किया गया है. दूसरा आपको ये बताना है heat रिलीज हुई है या absorb हुई है. बताओ जल्दी से, करो जल्दी से, सुनो मेरी बात. एक तो ना क्वेश्चन को कई बार अपनी आदत इतनी खराब हो गई, अगर ऑप्शन नहीं दिया ना तो क्वेश्चन करने की कोशिश ही नहीं करते हैं. पहले हमेशा क्वेश्चन में गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है. आपकी आदत पता क्या है? चार ऑप्शन दिखे, चार ऑप्शन में से कभी भी जीरो आंसर है ना, आधा माइंड सेट तो आपका पहले ही हो जाता, जीरो आएगा. नहीं होता ऐसा एग्जाम में? ऐसा ही तो होता अपने साथ. तो आप क्या करते हो, बहुत बार तो ना पहले ऑप्शन देख लेते हो. मैं कहता हूं कभी भी ऑप्शन मत देखना जिंदगी में, ऑप्शन देखोगे कंफ्यूज होगे. एग्जाम का कॉन्सेप्ट ही MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना भाई, उसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपको कंफ्यूज करना है. बोलो मत यार, उसका कॉन्सेप्ट ही यही कंफ्यूज करना. और आप कंफ्यूज होने के लिए ऑप्शन ही देखते हो, ऐसा कभी मत करना. और कई लोग तो ऐसे ना देखते रहते क्वेश्चन को, ऑप्शन को, जादूगर है सीधा आंसर लगाएगा, तो ऐसा कभी मत करना. ठीक, अब करें स्टार्ट. यार देखो मेरे को याद नहीं है यार आंसर वंसर, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, कैलकुलेशन कर सकता हूँ, याद में कुछ भी नहीं रखता. देखो इधर देखो क्या बोला मैंने, मैंने गैस दी है एक कंटेनर में, ठीक है भाई, ये 2 मोल है गैस के, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया, और मैंने प्रेशर कितना दिया गैस का, 2 atm. ठीक, अब इस गैस को मैंने कंप्रेस किया है, ऊपर से दबाया ऐसे, 4 atm का प्रेशर लगाया. पहली बात तो हम जो W=-P external ∆V करेंगे तो उसमें P कितना लेंगे, 4 लेंगे, वेरी गुड. और ये वॉल्यूम हाफ हो गया, वॉल्यूम पहले कितना था, PV=nRT से कैलकुलेट करो. तो PV=nRT लगाओ, क्या लगाओगे, PV=nRT में अपने पास क्या प्रेशर कितना है, 2 atm, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, एन नंबर ऑफ मोल्स टू, आर कितना होता है, 0.08 × 300. तो ये 2 से 2 कैंसिल, वॉल्यूम इक्वल टू 24 लीटर आ गया, इनिशियल वॉल्यूम आया है. और वी फाइनल क्या आ जाएगा, यहां पे हाफ कर दिया ना 12 लीटर, तो क्या आएगा डेल्टा वी, क्या आएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कितना आया, -12. तो यहां रखो वैल्यू, -4 माइनस इंटू 4 प्रेशर और -12, ये तो 48 लीटर ATM आया है. और इसको जूल में कन्वर्ट करना है, 48 × 101.3 जूल W आ गया आपका. और क्योंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, कैसे पता चला, लिख के देखा कि 27 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, तो डेल्टा ई जीरो होगा, डेल्टा ई जीरो होगा तो Q=-W, यानी -48 × 101.3 जूल. इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है एंड हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम. सही समझ आया कि नहीं आया, करें नेक्स्ट. लिखो, an insulated container is divided into two portion. First portion contain an ideal gas at constant pressure and temperature. At constant temperature T and constant pressure P.
at constant temperature T and constant pressure P. And other portion is, and other portion is perfectly vacuum. ठीक है, वैक्यूम खाली पड़ा है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, इफ ए होल इज डन, इफ ए होल इज डन बिटवीन टू पार्ट, इफ ए होल इज डन बिटवीन टू पार्ट देन फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, then find increase in internal energy लिख लो, then find increase in internal energy and increase in temperature. करो भाई जल्दी से. आप ना एक तो ना ये ऐसे बना लिया करो, देखो एक एक कंटेनर है भाई, ठीक, परफेक्टली इंसुलेटेड कंटेनर है, इंसुलेटेड बोला ना मैंने साफ साफ, तो और इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. ये मैंने वैक्यूम रखा, यानी यहाँ पे प्रेशर जीरो है और यहाँ पे प्रेशर पी टेम्परेचर टी है, इसमें आइडियल गैस है, ठीक, और ये परफेक्टली इंसुलेटेड है, तो क्यू तो आ गया यहाँ पे जीरो. अब मैंने क्या किया, इसमें एक होल कर दिया, गैस एक्सपांड करेगी, आइडियल गैस एक्सपांड करेगी, तो आइडियल गैस किसके अगेंस्ट एक्सपांड करेगी, वैक्यूम के अगेंस्ट, यानी पी एक्सटर्नल कितना है, पी एक्सटर्नल जीरो होगा ना यहाँ पे, पी एक्सटर्नल जीरो, तो डब्ल्यू डेल्टा ई चेंज इन टेम्परेचर, कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा, ना एनर्जी ना टेम्परेचर. लिखो जल्दी से, आसान क्वेश्चन था ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नेक्स्ट लिखो, 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली इन वैक्यूम, 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली इन वैक्यूम, देन फाइंड हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस, देन फाइंड हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस. बताओ भाई, नहीं है, अरे क्या दिक्कत है, टी आइसोथर्मल ही है तो टी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में डेल्टा ई जीरो, गैस एक्सपांड्स, डब्ल्यू इज डेल्टा इज इक्वल टू क्यू, क्यू इज डेल्टा इज खत्म. कोई डाउट, तो आज बस मुझे इतना ही पढ़ाना था, कल एंथैल्पी पढ़ेंगे, ठीक है भाई. रिवीजन तो आज कुछ नहीं है, है ना, क्या बताया, आ जाते ही इंटरनल एनर्जी बताया, सम ऑफ ऑल एनर्जी, और क्या बताया, सम ऑफ ऑल एनर्जी बताया है, इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्या करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, फिर साइक्लिक प्रोसेस में भी डेल्टा ई जीरो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. फिर बता, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. फिर वो प्रोसेस देखी थी हमने, आइसोथर्मल प्रोसेस पे डेल्टा टी जीरो होगा, यानी टी कॉन्स्टेंट होगा तो डेल्टा ई जीरो, और डेल्टा ई जीरो होगा तो क्यू प्लस डब्ल्यू जीरो, यानी क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू लिख लो. अगर क्यू पॉजिटिव है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज वर्क डन बाय द सिस्टम, हीट वर्क डन ऑन द सिस्टम, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, कर लोगे ऐसे, फिर साइक्लिक प्रोसेस में भी आएगा क्योंकि डेल्टा ई जीरो होगा. फिर क्या किया था, आइसोकोरिक में क्या था, चेंज इन, सॉरी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, डेल्टा वी जीरो डब्ल्यू जीरो, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू, अगर क्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा ई भी पॉजिटिव होगा, हीट आपने सिस्टम में दी तो क्या करेगा, एनर्जी को इंक्रीज करेगा, यानी टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, कोई डाउट. फिर हमने क्या, क्यू अगर नेगेटिव है, रिलीज हुई सिस्टम से, तो हीट अगर रिलीज हो गया कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो उसमें क्या लिखोगे, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी डिक्रीज. फिर क्या किया था, एडियाबेटिक प्रोसेस, क्यू जीरो डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू, वर्क डन करोगे अगर पॉजिटिव होगा, सिस्टम पे काम करोगे तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव, डेल्टा ई पॉजिटिव, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम कॉज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा एडियाबेटिक प्रोसेस में, साथ में ये ध्यान रखना, ठीक. अगर डब्ल्यू नेगेटिव है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, सिस्टम ने काम किया है, नेगेटिव आएगा तो डेल्टा ई भी नेगेटिव आएगा, तो चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी है डिक्रीज होगी, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा. फिर क्या कहता, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर में हम क्या बोलते हैं,
क्यू को डेल्टा एच बोलते हैं, है ना, और उसमें माइनस पी डेल्टा भी होता है वर्क डन. तो ऐसे हमने क्या लिखा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी. और डेल्टा एच को एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन भी कहते हैं, और डेल्टा ई क्या है, हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा एच है हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. ठीक है भाई, हो गया रिवीजन. बाकी क्वेश्चन थे, कोई डाउट? ठीक है, थैंक यू. ढाई मिनट में रिवीजन हो गया.